गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप 11th क्लास में हैं। आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी थी। उसके तीन पार्ट होते हैं मोटे तौर पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनके भी सब पार्ट होते हैं, लेकिन आपको 12th क्लास में इतना ही स्टडी करना है, फिजिकल फिजिक्स केमिस्ट्री। तो वो हम आगे देखें कि इनके भी पार्ट होते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज केमिस्ट्री? So, we can say chemistry is a branch of science which deals with the study of composition and structure and the chemical changing occurring during various processes is called chemistry. So, ये तो थी इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। तो वैसे केमिस्ट्री होती क्या है इसको समझते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। केमिस्ट्री मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड वेरियस केमिकल चेंजेस अकरिंग इन वेरियस प्रोसेस। तो ये है केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जो कि स्टडी करती है मैटर की कंपोजिशन का, मैटर के स्ट्रक्चर का, और मैटर में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में। जो विज्ञान की शाखा, जो ब्रांच इन सब की स्टडी करती है उनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, उनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो ये तो हुआ जो हमें पढ़ना है। ये है हमारा चैप्टर, ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मैटर के इनसाइड कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें। तो अब ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात। तो अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारे साथ कैसे जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री रिलेटेड टू सोसाइटी। तो केमिस्ट्री रिलेटेड टू सोसाइटी, केमिस्ट्री हमारे समाज के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो केमिस्ट्री हमारे समाज के साथ कैसे जुड़ी हुई है? हाउ केमिस्ट्री इज कनेक्टेड विद अवर सोसाइटी, द रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री विद अवर सोसाइटी। तो कुछ फील्ड है जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री से, जैसे कि सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ फूड, बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ, बेटर कम्युनिकेशन, मोर लग्जरी,
और भी काफी सारे फील्ड हैं जहां केमिस्ट्री डायरेक्ट जुड़ी हुई है हमारी सोसाइटी के साथ। तो केमिस्ट्री से जो हमारे भोजन की क्वालिटी है और जो गुणवत्ता है और जो क्वांटिटी है वो कैसे इफेक्ट हुई है, तो जब से हमने केमिस्ट्री में डेवलपमेंट शुरू किया है तब से हमारी फूड सप्लाई काफी बेहतर हो गई है। कैसे? तो मोटे तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करें तो केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद हमने कई तरह के रासायनिक खाद उर्वरक तैयार किए हैं, जैसे डीएपी यूरिया। तो इनसे क्या हुआ है, ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर द प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिडरेबली। तो जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने शुरू किए जैसे कि यूरिया और डीएपी, तो इससे क्या हुआ, इससे जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़ गया, उत्पादन जो है वो काफी गुना बढ़ गया। और जैसे मान लो हमने, लेट अस सपोज कि मान लीजिए हमने खेतों में कुछ बोया है और उसमें काफी सारा खरपतवार उगा हुआ है जिसको हम वीड बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमें सारा खरपतवार हाथों से ही निकालना पड़ता था, उसमें काफी टाइम और काफी मेहनत लगती थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम फसलों में वीडिसाइड यानी कि खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव कर देते हैं और फसल को छोड़कर बाकी सभी खरपतवार मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इससे भी फसल ज्यादा उत्पादित होती है। तो ये तो था सप्लाई ऑफ फूड। और जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ, तो जैसे जैसे हमने केमिस्ट्री में प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट किया है, हमने नई नई दवाएं खोजी हैं। जैसे कि पहले जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, जो पहले जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है जिसे हम टीबी बोलते हैं, वो एक लाइलाज बीमारी थी। और अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको समझा, केमिस्ट्री में डेवलपमेंट की, तो हमने अब हमारे पास अब टीबी की काफी सारी दवाएं हैं और अब टीबी ट्यूबरक्लोसिस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। वी कैन ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस विद द हेल्प ऑफ मेनी मेडिसिन दीज डेज। इसी तरह जैसे पहले एचआईवी था, जो शुरू में एचआईवी का पता लगा तो एचआईवी एड्स एक लाइलाज बीमारी थी क्योंकि हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने इसके लिए काफी सारी एंटीवायरल ड्रग्स को खोजा। इसी तरह जैसे कैंसर है, पहले कैंसर का हमारे पास कोई इलाज नहीं था। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कैंसर का श्योर इलाज है, लेकिन आज हमारे पास इतनी सारी दवाएं हैं जो कि कैंसर को अगर ठीक नहीं कर तो कंट्रोल तो करती है। और काफी सारी दवाई तो ऐसी हैं जो एक खास तरह के कैंसर को बिल्कुल ठीक कर देती हैं, जैसे सिस्प्लेटिन। सबसे पहले जो हमने एंटी कैंसर ड्रग खोजी थी वो था सिस्प्लेटिन। इसी तरह जैसे मान लीजिए हमारे पास पैरासिटामोल है, अगर बुखार हो जाए तो हम पैरासिटामोल यूज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट बढ़ा है वैसे वैसे हमारे पास नई नई दवाएं आती हैं जिससे हमारी हेल्थ और बेटर होती जाती है। तो अगला जो पॉइंट है, बेटर कम्युनिकेशन। आज हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए काफी सारे मीडियम अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट है, मोबाइल फोन है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही योगदान है। जैसे कि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बेसिकली फिजिक्स की इन्वेंशन है, लेकिन जो मटेरियल यूज होते हैं मोबाइल फोन को बनाते समय, जो मटेरियल यूज होते हैं, जो बैटरी लगाते हैं, वो सब केमिस्ट्री के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो पहले क्या था, जब हमारे पास हमारा जो विज्ञान था, हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी,
मैसेज था जो, अगर मान लीजिए मुझे कोई संदेश भेजना है तो उसके दो ही तरीके थे, या तो मैं खुद जाकर मैसेज देकर आऊं या किसी को भेज दूं और वो आदमी या तो पैदल जाए या घोड़े पर जाए। फिर हमने कबूतरों का प्रयोग करना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे हमारे हमने चिट्ठी वगैरह, उसके बाद आज हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ईमेल है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम तकरीबन तकरीबन 1 सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और वो हो रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड और इंडिया के बीच में समंदर है, तो उस मैच को देखने का एक ही तरीका है कि मैं वहां जाकर देखूं, इंग्लैंड जाऊं और देखूं। लेकिन आज हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं, दैट वी कैन सी एनी लाइव इवेंट एनी वेयर इन द वर्ल्ड इन आवर रूम। हम अपने घर में, अपने कमरे में बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको हम लाइव देख पाते हैं। तो ये है बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन। उसके बाद है मोर लग्जरी, मोर लग्जरी। पहले गर्मियों में जब हमारे पास साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो हम गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए हाथ का पंखा यूज करते थे, उससे ऐसे हवा करते थे। फिर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, केमिस्ट्री डेवलप हुई, आज हमारे पास पंखा है, पंखा नहीं तो कूलर है, डेजर्ट कूलर, जिसमें पानी के द्वारा ठंडा करते हैं, और हमारे पास आज एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है जो कि हवा को बिल्कुल ठंडा कर देती है। इन सब में भी केमिस्ट्री का ही योगदान है। और पहले जैसे मनोरंजन के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, आज हम अपने टीवी में, अपने मोबाइल फोन में कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज हम कई तरह के फैब्रिक्स यूज करते हैं, पहले एक दो फैब्रिक यूज करते, जैसे ये रेशम या ऊन या फिर कॉटन, हम ये तीन ही तरह के फाइबर यूज करते थे, और अब हमारे पास कई तरह के फाइबर्स हैं जो कि काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। तो ये था केमिस्ट्री रिलेटेड टू सोसाइटी, केमिस्ट्री रिलेटेड टू सोसाइटी। और ये नहीं है कि केमिस्ट्री या साइंस में सिर्फ फायदा ही हो रहा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक चीज के होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक चीज के होते हैं। तो ये तो थे एडवांटेजेस, क्या थे ये लाभ, कि केमिस्ट्री हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस, क्या देखेंगे डिसएडवांटेजेस टू सोसाइटी। तो सोसाइटी को, समाज को केमिस्ट्री से खतरा भी है। कैसे है वो तो ये बात है कि अगर हम सोच समझ कर चीजों को यूज करेंगे तो उनका फायदा है, और अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोडेन। कोडेन एक कंपाउंड है, कोडेन एक कंपाउंड है जो कि ओपियम यानी अफीम से निकाला जाता है, और कोडेन की एक प्रॉपर्टी है कि चाहे जितना मर्जी खांसी हो, कोडेन खांसी को रोक देता है। तो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ओपियम से कोडेन को अलग किया और फिर उससे एक दवा बनाई जिसका नाम था कोरेक्स। आप लोगों ने सुना होगा कोरेक्स, कोरेक्स में होता था कोडेन, क्या होता था कोडेन। लेकिन कोडेन का एक साइड इफेक्ट ये है कि इससे नशा होता है। तो लोगों ने क्या किया कि कोरेक्स जो कि
एंटी कफ मेडिसिन थी, खांसी को रोकने की दवा थी, उसको लोगों ने नशे की तरह यूज करना शुरू किया, फिर इसको हमने बैन किया। तो एक डिसएडवांटेज तो आपने देख लिया होगा कि केमिस्ट्री अलग अलग तरह की दवाएं खोलती, जैसे कि मॉर्फिन है। मॉर्फिन ने दूसरे विश्व युद्ध में कम से कम, ये मानिए आप, कम से कम 50 लाख लोगों की जान बचाई है। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन की एक प्रॉपर्टी है कि ये कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो, उसको दबा देता है। तो जब कोई सिपाही, कोई सैनिक लड़ाई के मैदान में घायल होता था तो उसे मॉर्फिन के इंजेक्शन लगा देते ताकि वो दर्द से मेमोरी, और उसको उसके बाद शौक न लगे और उसको मेडिकल में ले जाने तक उसे दर्द न हो। तो इस तरह मॉर्फिन ने काफी सारी जानें बचाई, कम से कम 50 लाख सैनिकों की जानें मॉर्फिन ने बस बचाई थी। मॉर्फिन भी ओपियम से ही निकलता है, अफीम से निकलता है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ, ये भी नशा करता है, तो लोगों ने इसका यूज नशे के लिए करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ तो फायदा है, एक तरफ नुकसान है, और नुकसान है या फायदा है वो हमारे यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। और देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम यूरेनियम का, प्लूटोनियम का यूज करते हैं और बिजली बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि यूरेनियम थोरियम या प्लूटोनियम का यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से हम क्या बनाते हैं, बिजली। और ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हम इसी यूरेनियम का यूज करके एटम बॉम्ब भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम बॉम्ब। और एक एटम बॉम्ब एक या दो शहरों को बिल्कुल वाइप आउट कर सकता है, बिल्कुल वाइप वाइप आउट, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, वेपोराइज कर देगा एक शहर को। तो जिस तरह न्यूक्लियर एनर्जी ये हमारे लिए फायदे की है, लेकिन लेकिन अगर हम इसका मिसयूज करेंगे, अगर हम इसका मिसयूज करेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं जो कि हमारे लिए विनाशकारी है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये कुछ चीजें हैं कि विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये समाज के लिए लाभदायक भी है, और अगर हम इनका प्रयोग सोच समझ कर नहीं करते तो यही चीजें हमारे लिए विनाशकारी भी है। तो ये हैं सोसाइटी को इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था आपका केमिस्ट्री का इंट्रो डक्शन, और कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। थैंक यू।